गाइस तो गाइस जो जो बंदे थंबनेल देख के आए तो एकदम सही आए। हम जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, ठीक है। तो उसकी यात्रा चालू है, तो हम जा रहे हैं बाइक से, मैं और मेरा दोस्त। तो गाइस हम दोनों जा रहे हैं और व्यू देख सकते हो गाइस, इतने खतरनाक व्यू है, इतना खतरनाक, आप लोग देखोगे ना चौंक जाओगे। तो आप लोग भी जरूर एक बार आना नासिक, ठीक है। और नासिक में गाइस इतने अच्छे अच्छे पहाड़ है, मतलब इतने खतरनाक खतरनाक है ना, जैसे कालू वाटरफॉल, फिर बहुत सारे हैं जैसे आप लोग देख सकते हो, या यूट्यूब पे सर्च कर लेना, गूगल पे सर्च कर लेना, बहुत खतरनाक खतरनाक, बहुत अच्छे। मतलब कुछ अगर लाइफ में कुछ अगर खतरनाक सा करना है तो जरूर नासिक आना, क्योंकि इधर इतने खतरनाक खतरनाक पहाड़ है जो करने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि इतनी लंबी लंबी ऊंची ऊंची पहाड़ है, और प्लस इतने ऊंचे ऊंचे चढ़ने पड़ेंगे ना उसमें, तो समझ लो कि हालत खराब होने वाली है। कम से कम 1,000, 2,000, 12,000 ऐसे ऐसे सीढ़ियाँ होती है गाइस, जो चढ़ने के लिए, पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए रस्सी से ऐसे वैसे करके चढ़ना पड़ता है। तो गाइस ये सब बाद में बात करूंगा, अभी तो हम जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर, जो आप लोग जानते हैं, तो जिसके ऊपर ये वीडियो होने वाला है। तो गाइस रास्ते का व्यू मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं मंदिर के मेन गेट पे, मतलब ये भी मेन नहीं है, यहाँ से हम लोग का एंट्री चालू होता है, इसके बाद और एक गेट आएगा, उसके बाद हम लोग मंदिर के दर्शन कर पाएंगे। जो भी गाइस दर्शन करना है, इतना आसान नहीं था हमारा लिए, सबसे बड़ा चैलेंज था दर्शन करना, क्योंकि इतनी लंबी लाइन और इतना ज़्यादा भीड़, इतना ज़्यादा कि आप लोग सोच नहीं सकते। तो आप लोग फुल वीडियो देखो, तब आप लोग समझ पाओगे कि हम लोग के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, हम लोग दर्शन कर पाए या नहीं कर पाए, इतने भीड़ में हम लोग हार मान गए या जरूर दर्शन करके गए, ऐसा करके कुछ हुआ होगा चैलेंज हम लोग का। तो आप लोग फुल देखो तो आप लोग को समझ पाओगे, ऐसे नहीं समझ पाओगे क्योंकि मैं बताऊंगा तो आप नहीं समझ पाओगे। तो गाइज हम आ चुके हैं मंदिर के मेन गेट पे, मतलब ये मंदिर का अंदर का गेट है और वो मेन गेट है। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं हाथ पैर धोने, क्योंकि हाथ पैर धोने के बाद ही आगे का ऐसे कुंड है जहाँ पर हाथ पैर धोना चाहिए, पाप धुल जाता है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा पापी नहीं है समझ लो, कि नहीं किए थोड़े बहुत, तो यहाँ पे हाथ पैर धो के हम लोग जा रहे हैं। तो गाइस ये मंदिर का है, और गाइस यहाँ पे जो पहाड़ है ना, केदारनाथ का फीलिंग ला देगा आप लोगों को, जो जो बंदे केदारनाथ गए हैं तो उनको पता चल जाएगा। तो गाइस देख सकते हो लाइन, तो गाइस इस जगह हम लोग वीआईपी लाइन का इंतजार कर रहे थे, और जो हम लोग को वीआईपी लाइन मिला, जिसमें भी 2-3 घंटे खड़े होने के बाद हम लोग को वीआईपी में, तो गाइस यहाँ पे हम लोग को टिकट परचेस करना पड़ा वीआईपी के लिए, और 200 का टिकट था, और उसके साथ एक बिस्कुट दिया, जो समझ लो इस बिस्कुट का दाम 200 रुपये था। तो गाइस फाइनली हम लोग मंदिर के अंदर आ गए, जो भी अभी भी बहुत ज़्यादा लाइन है, तो और मंदिर देख सकते हो गाइस, और एक खतरनाक लाइन है उसको वो देखो पहले, और मंदिर भी देख सकते हो कितना अच्छा है। और गाइस मंदिर क्या है पता है, मंदिर के चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, मतलब मंदिर को सिर्फ पहाड़ों से कवर किया गया है, हाँ सिर्फ एक साइड थोड़ा बहुत जगह जिससे आने जाने का, और उसके बाद पूरी चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। तो अगर आप लोग आते हो तो मंदिर का दर्शन जरूर करना, क्योंकि बहुत खतरनाक व्यू मिलने वाला है, और किसी को कुछ नया देखना है, और कोई कुछ नया चाहिए, कुछ नया चैलेंजिंग चाहिए, तो ये चैलेंज जरूर कंप्लीट करके देखो। और इधर बहुत खतरनाक खतरनाक पहाड़ है, वो तो सबसे बड़े चैलेंज है, तो उसको भी कंप्लीट करना। तो गाइस हम लोग मंदिर के अंदर जा रहे, तो गाइस इसे देख सकते हो इतने लंबे लाइन है अभी भी, ठीक है। यहाँ पे नंदी महाराज है हमारे, तो नंदी महाराज के पास हम लोग गए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे घंटा घंटा बजाए, जिसके घंटे में पता चला कि घंटे का ओला ही निकाल दिया। तो बस हवा दिल थाम के बैठो, दिल थाम के, ठीक है, दिल थाम के हम लोग आ चुके हैं फाइनली मंदिर के अंदर। तो गाइस इतना पुराना, और पुराना तो होगा गाइस क्योंकि ये महादेव का मंदिर है, और प्लस भीड़ देख सकते हो। और गाइस यहाँ पे सिक्योरिटी भी बहुत खतरनाक होती है, यहाँ खतरनाक लेवल की सिक्योरिटी है, जो थोड़ा सा भी ना दर्शन करने के भी नहीं देता है, ऐसे करके कि जाओ देखने तक का मौका नहीं मिलता, भगा देता। तो हम लोग को भी इसी तरह भगा दिया गया, तो आप लोग जरूर आ रहे तो अच्छी बात है। और गाइस ये मंदिर का गेट का बाहर का सीन है, और मंदिर देख सकते हो, एक मंदिर भी केदारनाथ जैसे ही दिखता है गाइस, तो केदारनाथ बद्रीनाथ सारनाथ। हेलो गाइस, तो गाइस हमारा यहाँ पे 2nd ज्योतिर्लिंग का यात्रा ख़त्म होता है, और ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा था, मेरे लाइफ का सबसे 2nd ज्योतिर्लिंग था, और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि इधर पहाड़ी पहाड़ है, और देखने के लिए भी बहुत अच्छी जगह है, ठीक है। अगर आप लोग नासिक आते हो तो ज़रूर विजिट करना, तम 2nd ज्योतिर्लिंग है यहाँ पर, त्र्यंबकेश्वर बोल के होगा, तो आप लोग गूगल करके आ सकते हो, या नासिक रोड से सीधा यहाँ पे आ सकते हो। और गाइस आप लोग जल्दी आ रहे हो तो मेरे से मिल लोगे, तो चाहो तो जल्दी जल्दी आ जाओ। और गाइस यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ है, बहुत सारे खतरनाक खतरनाक जगह है, जो अगर आप लोग विजिट करना चाहो तो कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को भी भेजो, क्योंकि ये वीडियो बहुत बहुत अच्छा है, और मैंने बहुत मेहनत से बनाया, और बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रहा मेरे चैनल पर इसी की वजह से। तो थोड़ा बहुत कर लो, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बस इतना ही, बाय बाय, टाटा।